आज का एनिमे बहुत अलग है। सोचो तुम एक मेन कैरेक्टर हो और तुम्हें काम दिया जाता है एक लड़की को एलिमिनेट करने का। लड़की तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी है, लेकिन आगे जाकर तुम उसे लड़की से बहुत अच्छा दोस्ती बना लेते हो। इसके बाद तुम क्या करोगे? अगर इस बात को जानना है तो एपिसोड को फुल देखना। देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक कर देना। एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है एस्ट्रल पावर के बारे में। जो कि उनके प्लेस का एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग पावर था और इससे बहुत सारे लोग हर्ट हो चुके थे। जो लोग इससे हर्ट हुए थे उनकी जगह को कहा जाता है एम्पायर। जो इस पावर का यूज करते हैं उनकी जगह को कहा जाता है नेबलस। उन दोनों ही प्लेसेस के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर होता है जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा था। इसको कोई नहीं रोक पाता, लेकिन आगे जाकर कुछ लोग डिसाइड करते हैं वो इस वॉर को रोकने वाले हैं। उनमें से एक का नेम था इसका जो कि एम्पायर किंगडम से था और एक का नेम था एलाइस जो कि नेबलस से थी। इसके बाद ही सीन आता है एक साल पहले का। इसका एक जेल में आ जाता है जहाँ पर वो दौड़कर एक सेल के पास आ चुका था। सेल के अंदर एक लड़की होती है जो कि नेबलस से बिलोंग करती थी। वो लड़की बहुत डर रही थी। खैर इसके बाद इसका कहता है तुम्हें जल्द ही इधर से जाना होगा और उसके बाद इसका उस लड़की को फ्री कर देता है। वो लड़की इसका को देखकर बहुत डर गई थी क्योंकि वो भी जानती है ये बंदा एम्पायर किंगडम से था। लेकिन इसका उस लड़की से ज्यादा बात नहीं करता, जहाँ पर वो जाते जाते उस लड़की को पैसे और खाने के लिए कुछ सामान दे देता है। उसके बाद वो लड़की प्रिजन से भाग जाती है। कने ऐसा क्यों किया ये हमें नहीं बताया जाता, लेकिन बाद में जाकर इसका इससे फंस जाता है। इसका को एम्पायर के लोग पकड़ लेता है और इसके साथ ही इसका प्रिजनर बन गया था। एम्पायर के लोग कहते हैं सेंट डिसेबल होने के बाद भी तुमने ऐसा काम किया, तुमने जो किया ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। आगे जाकर वो लड़की कुछ भी कर सकती है। उसके पास एस्ट्रल पावर है जिससे वो बहुत लोगों को मार सकती है। एक होनहार वॉरियर होने के बाद भी तुम ऐसा काम कर सकते हो, ऐसा हमें नहीं लगा था। लेकिन हम लोग तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। अगर तुम्हें प्रिजनर नहीं बनना तो तुम्हें ग्रैंड विच को मारना होगा, वही कलामिटी क्वीन जो कि सब कुछ दबा कर देती है। ग्रैंड विच को मारने के बाद तुम फ्री हो जाओगे। अगर तुम्हें ये डील अच्छा लगता है तो हमारे साथ आ जाओ। इसका उनकी बातों को मान लेता है खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और लड़की को जिसका नेम नैने था। नैने अपना रेस्टोरेंट पे काम कर दिया है, जहाँ पर इसी बीच नैने का फ्रेंड जिन इधर आ जाता है। जिन को देखकर नैने बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो दोनों बातें करता है। वेल, वो दोनों इसका को अच्छी तरह से जानते थे। जिन कहता है नैने मेरे पास एक काम है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। नैने कहती है लेकिन हमें क्या करना है, और उसके बाद जिन सब कुछ बता देता है। यानी इसका के पास एक मौका है जेल से बाहर आने का। नैने भी जिन की बातों को मान लेती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इसका को जेल से बाहर आने के बाद इसका अपने आप को फ्री महसूस कर रहा था। उसने बहुत टाइम बाद रात के तारों को देखा था। जिन इसका के पास आ जाता है, जहाँ पर इसके बाद इसका कहता है तुम्हारा बहुत थैंक यू, क्या तुमने सब लोगों के साथ बातें कर लिया। जहाँ पर इसके बाद ही नैने भी इधर आ जाती है। नैने इसका को फ्री देखकर बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो इसका को हक कर लेती है। वो दिनों पहले से फ्रेंड थे तो इसलिए आपस में बातें करके वो दिनों बहुत हैप्पी होते हैं। और इसी बीच एक और लड़की इधर आ जाती है जो कि उनकी टीम का कैप्टन थी। ऐसे उनका टीम फिर से रीअसेंबल हो जाता है। उनका कैप्टन अपने टीम मेंबर्स को देखकर बहुत हैप्पी थी, जहाँ पर वो कहती है हम लोग रेडी हो चुके हैं एक और मिशन के लिए। खैर इसके बाद फोलो के कार में आ जाता है और आपस में बातें करता है कलामिटी विच के बारे में जो कि आगे जाकर उनका मिशन होने वाला था। कलामिटी विच के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन उनको भी ये बात अच्छी तरह से पता था उसको हराना इतना इजी नहीं होने वाला। कलामिटी विच के पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग पावर था। उसका कहता है हमें इस बात को भी नहीं भूलना उसके पास एस्ट्रल पावर है, का कैप्टन कहती है। लेकिन उससे पहले हमें इस बात को पता करना होगा वो हमें कहाँ पर मिलने वाली है। पहले उसको देखा गया था नॉर्दर्न साइड पे, तो इसलिए मुझे लगता है हमें अब भी उधर ही वो मिलने वाली है। ऐसे उधर हमारा डिफेंस का प्रोजेक्ट भी है जो कि हमारे मिशन में काम आने वाला है। ऐसे इसका अगर तुम अपने मिशन में फेल हो गए तो इसकी बात क्या होगा। जहाँ पर इसके बाद इसका कुछ भी नहीं कहता क्योंकि अगर वो इस मिशन में फेल हो जाए तो उसके बाद उसके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। इसका कहता है मैं अभी अपने मिशन के बारे में सोच रहा हूँ। खैर इसके बाद वो लोग बात करते हुए आ जाते हैं उनके एक बेस पे जो कि एक पावर रिएक्टर था। उधर उनके वेपन का काम किया जाता है। खैर इसके बाद वो लोग अपने कार से उतर कर बातें करते हैं। बातें करने के बाद वो लोग फिर से आ जाते हैं अपने कार में और वो लोग फॉरेस्ट एरिया में आ चुके थे। वो लोग नॉर्दर्न फॉरेस्ट में एंटर हो चुके थे और उधर आगे जाकर कलामिटी विच उनको मिलने वाली थी। वो लोग अभी बातें कर रहे होते हैं लेकिन इसी बीच उनके गाड़ी में कुछ हो जाता है। इससे कैप्टन गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है नैने तुम कैसे गाड़ी को चला रही हो।
नैने तुम क्या कर रही हो? नैने कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं कुछ और देख रही थी। रिस्की बात बात करके वो लोग आगे जा रही थी, लेकिन इसी बीच इसका को कुछ महसूस होता है। इसका जान गया था आंखें एस्ट्रल पावर है और ये कार उनके लिए अब सेफ नहीं था। इसका कहता है हमें जंप करना होगा। जहाँ पर इसके बाद वो लोग कार से उतर जाता है। उनका गाड़ी स्टॉप नहीं हो रहा था, जहाँ पर आगे जाकर वो कार क्रैश हो जाता है। वो लोग किसी तरह से बच गई थी। खैर इसके बाद वो लोग अपने डिफेंस को फोन लगाते हैं, लेकिन उनका फोन भी कहीं पर नहीं जाता। वो लोग जान गए थे उनके पास ही में कोई स्ट्रॉन्ग मेज है, और इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। खैर इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग चारों ओर जाके देखने वाले कहाँ पर कौन है। जिन अपना काम कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसके पीछे से अटैक होता है। इसका इस अटैक को पहले देख लेता है और उसके बाद वो जिन को बचा के उस अटैक को रोक लेता है। इसका ने एस्ट्रल पावर को रोक लिया था, जो कि वाकई में बहुत बड़ा बात होता है। इसका के डिफेंस को देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वेल इसके बाद एक एक करके उधर से सारे लोग विजिबल हो जाते हैं जो कि नेबुलस किंगडम से थे। वो सारे मेज होते हैं जो कि इसका और उसके टीम के ऊपर अटैक करने वाले थे। सबको देखकर इसका और बाकी सब लोग बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि वो लोग जान गए थे पास ही में कलामिटी विच हो सकती है, क्योंकि ये सारे बंदे उसके ही लोग थे। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर उन सारे मेज को ऐसा लगता है वो लोग उन सबको बहुत इजीली हरा सकते हैं, लेकिन वो लोग गलत होता है, क्योंकि इसका उन सबके लिए एक सरप्राइज बनकर आया था। इसका के ऊपर अटैक किया जाता है, लेकिन इसका अपने स्पीड का यूज करके उन सारे अटैक से बच गया था और वो अपना अटैक कर देता है। इसका जो भी अटैक करता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अलग होता है, वो बहुत इजीली सारे मैचेस को हरा देता है। वो लोग जो फाइट कर रहे थे, इसका साउंड कलामिटी विच सुन लेती है और वो जान गई थी उधर कोई आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कलामिटी विच का असिस्टेंट रेडी हो जाती है अटैक के लिए। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसका और उसके दोस्तों को, जहाँ पर वो लोग सारे मेजेस को हरा देते हैं और बातें कर रहे थे कलामिटी विच कहाँ पर हो सकती है। लेकिन इसी बीच उनके नीचे वाला प्लेस हिलने लग जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और उनको ये बात पता चल जाता है ये है आर्ट स्ट्रेल पावर, यानी इधर कोई आ चुका है। जहाँ पर इसके बाद ही उसके अंदर से एक क्रिएचर बाहर आ जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है, और उसके ऊपर एक लड़की थी, यानी यही कलामिटी विच का असिस्टेंट होती है। असिस्टेंट कहती है तुम लोगों ने जो किया इससे तुम लोग बहुत डेंजर में आ चुके हो, और उसके बाद वो अटैक कर देती है, जहाँ पर इसका बहुत इजीली उसके एक हाथ को तोड़ देता है या फिर काट के रख देता है। इसका का ऐसा पावर देखकर असिस्टेंट भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वो कहती है मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती हूँ। इसके बाद इसका कहता है कैप्टन तुम नैने और जिन को लेके इधर से चले जाओ और फोर्सेस ले आओ, तब तक मैं इसके साथ लड़ सकता हूँ। कैप्टन इसका का बात सुन लेती है और इसके बाद वो लोग इधर से भाग जाता है। तीनों के जाने के बाद असिस्टेंट अपने क्रिएचर का फिर से हाथ को निकाल लाती है। का जान गया था वो रीजेनरेट पावर यूज कर सकता है, यानी उस क्रिएचर को मारना लगभग इम्पॉसिबल है। खैर इसके बाद वो फिर से अपना अटैक कर देती है, लेकिन इसका बहुत इजीली उनके अटैक को रोक लेता है। इसका कहता है मुझे बस एक ही बात को जानना। खैर इसके बाद वो फिर से अपना अटैक कर देती है, लेकिन इसका उसके अटैक को बहुत इजीली रोक लेता है। इसका कहता है मुझे बस एक ही बात को जानना है और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। कलामिटी विच कहाँ पर है? असिस्टेंट कहती है तुम उसका मुंह तो क्या उसका नाम भी नहीं जान पाओगे। इसका कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मेरा उससे काम है। और उसके बाद असिस्टेंट अपना अटैक कर देती है, लेकिन इसका बहुत इजीली उसके अटैक को रोक कर असिस्टेंट के पीछे आ जाता है। और उसके बाद वो कहता है क्या तुम मुझे अभी बताने वाली हो वो कहाँ पर है? इसका ने असिस्टेंट के गले में स्वॉट को रख डाला था, जहाँ पर इससे असिस्टेंट मर भी सकती थी। खैर इसके बाद वो कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें उसके बारे में कभी बताने नहीं वाली क्योंकि हमें ऐसे ही ट्रेन किया जाता है। अगर मैं मर भी जाती हूँ तो इसके बाद भी मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताने वाली। इन सारी बातों को सुनकर इसका एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है, जहाँ पर मौके का फायदा देख कर इसके बाद असिस्टेंट फिर से अपना अटैक करने वाली थी, उसके गले में स्वॉट को रख देता है। असिस्टेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है कि इम्पॉसिबल है, कोई बंदा ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन वो ये भी जान गई थी अभी वो मरने वाली है, यानी इसके आगे वो कुछ भी नहीं कर सकती। जहाँ पर इसकी बात इसका अपना अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच उनके ऊपर ही अटैक हो जाता है। असिस्टेंट जान गई थी उनके पास कलामिटी विच आ चुकी है, यानी एलाइस इधर आ चुकी थी। कलामिटी विच को इसका अपने आगे देखकर बिलीव नहीं होता और उसके बाद वो कहता है क्या तुम मुझे लेव करवा सकती हो, तुम ही वो विच हो। और उसके बाद कलामिटी विच अपना अटैक कर देती है, जहाँ पर इसीलिए एलाइस अपना अटैक कर देती है, जहाँ पर पूरा प्लेस ही आइस में बदल गया था। और ये सीन देखकर इसका जान लेता है यही है कलामिटी विच।
खैर इसकी बात वो दोनों ही एक दूसरे को सरेंडर करने के लिए दे देता है, यानी वो दोनों ही पहले फाइट करना नहीं चाह रही थी, लेकिन हार मानने वाला कोई नहीं था। जहाँ पर इसकी बात अमिति क्वीन और इसका अपने एम्पायर के बारे में कह देता है, दोनों में से कोई भी एम्पायर हार नहीं मानेगा और इसीलिए फाइट होना तय था। जहाँ पर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग गई थी। रिन जो कि एलाइस का असिस्टेंट होती है वो कहती है इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने देखा ही था उसने कैसे मेरे अटैक को रोक लिया, इसीलिए आपको भी अच्छी तरह से लड़ना होगा। एलाइस कहती है मैं इसको संभाल लूंगी, वैसे तुमने जो किया वो बहुत अच्छा था। और इसके बाद एलाइस लड़ने के लिए आगे आ जाती है। एलाइस और इसका एक साथ बात करता है जहाँ पर वो दोनों ही दोनों को सरेंडर करने के लिए दे देता है, यानी पहले फाइट करना कोई भी नहीं चाह रहा था, लेकिन दोनों में से कोई हार नहीं मानता। इसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाता है। एलाइस अपना अटैक कर देती है। एलाइस का अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। टीन कहती है इस अटैक का सामना वो नहीं कर सकता। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसका अटैक का सामना तो कर रहा था, लेकिन अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए वो हर्ट हो चुका था। इसका की बॉडी में बहुत सारे स्क्रेचेस आ जाता है, यानी वो हर्ट हो गया था। ये सब होने के बाद इसका अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर उसका अटैक भी बहुत अच्छा होता है। इसका ने एस्ट्रल मैजिक यूज किया था जो कि इसका स्वॉट का तकनीक होता है, और ऐसे ही इसका एलाइस के पास आ जाता है, जहाँ पर एलाइस इसका को रोककर उसे दूर फेंक देती है। एलाइस कहती है तुम्हें हार मान लेना चाहिए। इसका कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं हार गया तो वॉर को कौन रोकेगा। इसका की बातें सुनकर एलाइस सरप्राइज होती है। खैर इसके बाद एलाइस अपना अटैक करती जा रही थी, लेकिन इसका उन सारे अटैक को रोक लेता है। वो आ गया था एलाइस के पास अपना अटैक करने के लिए, लेकिन इसके बाद एलाइस लड़ने से पीछे हो जाती है। जहाँ पर ये सीन देखकर रिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। एलाइस एक आइस के ऊपर आ जाती है और उसके बाद वो कह रही थी मैं भी तुमसे नहीं हारने वाली। इसका एलाइस के सारे अटैक को बहुत इजीली तोड़ देता है और उसके बाद वो अटैक करने भी वाला था, लेकिन एलाइस पीछे हो जाती है। जहाँ पर ये सीन देखकर रिन बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। वो कहती है आप पीछे कैसे हो गई, क्या आप फाइट करना नहीं चाहते। जहाँ पर इसकी बारी इसका कहता है वेल अगर आप मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप हार चुके हो और वैसे भी आपको रिटायर होना चाहिए। इसी बात को सुनकर एलाइंस कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तब तक रिटायर नहीं होने वाली जब तक मैं दोनों ही वॉल को यूनाइट नहीं कर देती। इसका कहता है तुम किसके बारे में बातें कर रही हो। जहाँ पर इसकी बारी एलाइंस अपनी बातें कहने वाली होती है और इसलिए वो आगे आ गई थी। लेकिन तभी वो आइस टूट जाता है, एलाइंस नीचे गिर जाती है, लेकिन एन मौके पे नीचे इसका था तो इसलिए वो एलाइंस को पकड़ लेता है। एलाइंस बहुत डर गई थी, लेकिन इसके बाद वो देखती इसका को जहाँ पर वो हैप्पी होती है। कुछ ही टाइम के लिए एलाइंस भूल चुकी थी वो उसका बहुत बड़ा एनिमी है और वो उसको मारने के लिए आया था, लेकिन रिन कहती है एलाइंस आप क्या कर रही हो। जहाँ पर इसके बाद एलाइंस अपने प्रेजेंट माइंड पे आ जाती है और उसके बाद वो नीचे आकर कहती है वेल इसके बाद मैं जब भी तुम्हें मिलूंगी तो इसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम रेडी होके आना। और उसके बाद वो रिन के साथ चली जाती है। एलाइंस भी कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से एलाइंस के ऊपर अट्रैक्ट हो गया था या फिर इम्प्रेस हो चुका था। और इसी बीच इसका के पास उसके फ्रेंड आ जाता है, जहाँ पर वो लोग इसका का हाल देखकर शॉक्ड होता है और वो लोग कहता है क्या तुम उससे मिले थे। जहाँ पर इसका कहता है हाँ मैं उससे मिला था। एलाइस के घर में जहाँ पर वो कुछ सोच रही होती है, एलाइस बहुत टाइम के लिए चुप थी। जहाँ पर इसी बीच रिन उसके पास आ जाती है और वो कहती है क्या तुम उसके बारे में सोच रहे हो। इस बात को सुनकर एलाइस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो रिन के साथ बातें करने लग गई थी। इसके बाद एलाइस अपने मन को हल्का करने के लिए आ जाती है एक ओपरे में। उनके प्लेस में ओपरा नाम का एक कॉन्सर्ट होता है जहाँ पर लोग अपने मन को हल्का करने के लिए जाते हैं। एलाइस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर वो रोने भी लग गई थी, लेकिन उसके पास अपना रुमाल नहीं होता। ये सीन देखकर एलाइस के पीछे वाला बंदा अपना रुमाल को आगे कर देता है। एलाइस उस रुमाल को ले लेती है और शो के खत्म होने के बाद एलाइस उसी बंदे के आगे आ जाती है, जहाँ पर इधर अंधेरा था और इसीलिए एलाइस उस बंदे को अब भी देख नहीं पाती। और इसी बीच उधर लाइट आ गया था, जहाँ पर एलाइस देखती है उसके आगे इसका था और इसका भी एलाइंस को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। और ऐसे ही एपिसोड का एंड होता है। तो देखकर कैसा लगा मुझे बता देना, हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद वाले एपिसोड के लिए।